एक गांव की महिला अपने पति से कहती है, पिया मैं भी गंगा स्नान करूंगी, मुझे स्नान करा दीजिए ना। पति बोल पड़ा, आज तुम्हारा मन कष्ट जग गया, तुम गंगा स्नान करोगी। ए पिया, कल सुबेरे पड़ायन का किखिया गए रहे ना, वो लगी बखाने कि बड़े बड़े महंत, बड़े बड़े संत, बड़ा भारी मेला लगा हुआ है और दुर्भाग्य होगा जो लोग दर्शन नहीं पाएंगे, स्नान नहीं कर पाएंगे। तो पिया मेरा भी मन कह रहा है, मुझे भी गंगा का स्नान करा दो। पति बोल पड़ा कि मैं आज तक तो प्रयागराज गया नहीं हूँ, कैसे पहुंचूंगा, कहाँ मेला लगता है। बहाना कर रहा है कि पैसा बहुत खर्च हो जाएगा, बड़ा शुमकुट किस्म था, लेकिन पत्नी बड़ी भाव विभोर होकर के अपने पति से आंगन में कहती है कि पिया ना, बहुत पैसा खर्च होता है, लेकिन पुनीत कार्य के लिए अगर काम करें आप तो अच्छा काम होगा। तो कहती है, क्या कहती है, हाँ।
घर से चल करके माँ से निवेदन करके मांगूंगी। माँ जानेगी कि दुखियारा मेरे पास आया, मेरी चौखट पे आया है। माने मन में मांगूंगी, निराश करके माँ मुझे नहीं भेजी कि चला मनसा, हे चला मनसा सुनाया ही पिया मनना मन चोरा करी। सबसे बड़ी बात पिया, जिसे ढूंढने पर नहीं मिलेंगे, ढूंढने पर भी नहीं मिलेंगे, ओ साधु संत का दर्शन मिलेगा। अहो भाग्य हमारी होगी जो झाड़ियों में रहते हैं, घाटियों में रहते हैं, वर्ष दो वर्ष दस वर्ष तक नहीं दर्शन मिलता है, वो भी साधु संत प्रयाग की नगरी में आते हैं, उनका दर्शन पा करके मैं धन्य हो जाऊंगी। साधु भगवान की कथा को कहते होंगे, वहां पर बैठूंगी, बैठ करके श्रवण करूंगी अपने मन में भगवान की कथा को, और जब राम की चर्चा होगी पिया, सभी के साथ में अपने दोनों हाथ उठेंगे और ताली बजेगी। ए राम का धुन सुना ताली है। अगर हम दान नहीं करेंगे तो समझ लीजिए मेरी जिंदगी अधूरी है। अपने कमाई का कुछ न कुछ तो दान करना ही होगा, वो भी गंगा जी के घाट पर पांडवा को अगर देंगे तो आशीर्वाद देगा, भिखारियों को अगर कुछ हम देंगे तो आशीर्वाद देंगे, हमारा परिवार बढ़ेगा, हमारा परिवार चलेगा, हमारा धंधा बिजनेस में सब रोजगार में बढ़ेगा पिया। इसलिए दान आवश्यक है। स्नान करने के बाद हम पंडा ब्राह्मणों से लेकर के भिखारियों तक का हम दान करेंगे। तो चला दान, ओ चला दान कुछ कराए, आई सैया मगना मन चोला करी। प्लान है ये तो बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, सोच रहा है अंदर अंदर, और पत्नी बताती चली जा रही है, क्या कह रही है, मैंने सुना है पिया कि सभी तीर्थों में सबसे बड़े प्रयागराज हैं, मैंने सुना है। तो पति हंसने लगा, वो कहने लगी तब तीर्थ माँ तीर्थ बखाना, लेकिन दर्शनार्थी धर्म प्रदीप के लोग प्रयागराज को जरूर जानते हैं। पूरे विश्व को समाहित करने वाली माँ गंगा प्रयागराज ऐसी नगरी है, जहाँ पर लोगों को जिन्हें मुझे देखने को नहीं मिलेगा, ऐसे ऐसे लोग मेरे बगल से गुजर जाएंगे।
बोलने पड़ा कि कैसे चलूंगा। अरे मैं तो वही जुरई काका के यही फाफा मऊ में यार, वही लास्ट में घर है, अब तक तो फूलो नहीं डाका है। पत्नी सोचे अब प्लान गड़बड़ हो गई, दे पिया बड़ी मनसा है, कहन मैं चलूंगा कैसे भूल जाऊंगा, तुम भी बिखर जाओगी मैं भी बिखर जाऊंगा। तब उसने कही कि पिया हर वर्ष स्नान किया करते हैं, चलो उनसे बात कर ले, उनके साथ में चल चला जाए और बढ़िया से दर्शन करा लेंगे, करा देंगे, साधु संत से मिला देंगे और वापस अपने घर को चली आऊंगी। पति पूछ पड़ा कौन, बताने लगी कि अगर आप पिया थोड़ी दूर पर है घर, हमारा मौजा कुछ और है, उनका मौजा कुछ और। पति बोल पड़ा आखिर वो है कौन, तो बताने लगी कि पिया जोगापुर के कल्लू निराला को आप जानते हैं, जो बिरहा गाते हैं, वो हर वर्ष माघ के मेले में स्नान करने जाते हैं, चल के बात कर लें और उन्हीं के साथ चल करके माँ गंगा का स्नान करें, साधु संतों का दर्शन करें और वापस चले आए। तो चला हो चला निराला का, चला निराला का लिया चालीसा।